Yes, next question देखते देखिए next question क्या probability का question है समझिएगा. If a coin is tossed till the first head appears, then what will be the sample space? Sample space क्या होता है? Total outcomes. एक coin को जब तक फेंकना है जब तक कि head ना आ जाए. तो जैसे option A दिया है head close, इसको नहीं ले सकते. B दिया है tail head, till लिखा है तो ये भी नहीं हो सकता. फिर C में ऐसा दिया है tail head, ठीक है. फिर दिया है head, फिर tail और फिर dash. This is the right answer. If a coin is tossed till the first head बोला है तो ये end में tail आ रहा है, ये नहीं होगा. D पे आए head, बिल्कुल ठीक है. tail लिया है तो फिर throw किया head, tail लिया है फिर head, tail head. जब तक throw करते रहना जब तक कि हेड ना आ जाए तो उसके सैंपल स्पेस बनाना. हो सकता है फर्स्ट टाइम आए, हो सकता है सेकंड टाइम, हो सकता है थर्ड टाइम, हो सकता है फोर्थ टाइम. तो डी इज अ राइट आंसर. इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी. अ कॉइन इज टॉस्ड टिल फर्स्ट हेड अपीयर्स. राइट, नोट डाउन. फिर उसके बाद एक और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. देखिए क्या है, टू डाइज थ्रो साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ अपीयरिंग नंबर ऑन प्राइम नंबर. इसका मैंने आपको चार्ट भी बनवाया था और प्राइम के लिए क्वेश्चन भी करवाया था. प्राइम होते 2, 3, 5, 7 and 11, 1, 2, 3, 4, 6 and 2, 8 plus 2, 12, 15 by 36. याद करिएगा चार्ट. आपको एक सिंपल तरीका बताया था कि कभी भी प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं सम में, एक 2, एक 3, एक 5, एक 7 और एक 11. इसके केस 1, 1, 1, इसके 1, 2, 2, 1, 2, इसके 1, 4 से लेके 4, 1 तक यानी 4, इसके 1, 6 से लेके 6, 1 तक 6, इसके 5, 6 और, बट इनकी जरूरत नहीं है. मैंने आपको 2, 3 डाइस के सिंपल कंसेप्ट बताए थे, चार्ट बनवाया था. इनफैक्ट क्विक रिवीजन क्लास में एक क्वेश्चन भी स्पेशली किया था. राइट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और समझते हैं क्या क्वेश्चन है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखिएगा. 15 by 36 मतलब 5 by 12 था. प्रोबेबिलिटी के उस क्वेश्चन का आंसर 5 by 12 था, काटना भी था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए टू क्वेश्चन लिंक है इसके साथ. क्या क्वेश्चन है, टू आइटम एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी एक्स इक्वल टू 10x एंड एच एक्स इक्वल टू एल एन एक्स, ऐसा तीन दिया ठीक है. और फॉर एक्स इक्वल टू रूट पाई अपॉन टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, ये पूछा है. और x भी रूट पाई बाई टू दिया है, वो बाद में करेंगे. पहले ये देखिए इसमें एक एक ऑर्डर में चलते हैं. h ऑफ g ऑफ एफ एक्स ऐसा समझ लीजिए यहां पर. ये तो h ऑफ g एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, ये रख दिया. जी एक्स स्क्वायर कितना है h इंटू जी एक्स स्क्वायर, एक तरह से ये बचा. तो h इंटू जी एक्स स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर रखोगे तो मिलेगा 10x स्क्वायर. और एच एक्स क्या है तो एल एन 10x स्क्वायर. राइट, अब जब आप यहां पर रखेंगे एल एन पाई बाई फोर पाई स्क्वायर तो पाई बाई फोर हो जाएगा, तो ये 1 और ये आंसर आ गया 0. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0 फर्स्ट वाले का. और इसका जो बाद वाला है वो भी देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन. पहले पूरे वो क्वेश्चन करिए जो इजीली बनते हैं आपको, फिर उसके बाद सोचेंगे व्हाट इज f of f. पेपर पूरा आपको नेट पर मिल जाएगा इंपिटस गुरुकुल की वेबसाइट पे. f of 2, तो इसी को 3 बार करके 2 पूछा है. तो इसको लॉजिक ये होता है f of f, आपको f2 बताना है. पहले इसके साथ लेंगे तो 2 रख दीजिए, तो f of f, 2 का स्क्वायर 4 रख दीजिए तो ये जाएगा f 16 रख दीजिए तो कितना 256. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 256. राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए इंटीग्रल के क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन है समझते हैं. अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल. dx अपॉन जो मिस्टेक हो सकती है, जो तरीका बताया था वो याद रखिएगा, +1. सबसे पहले मैंने आपको बोला था एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हमेशा 1 बना लीजिए, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी. ऐसा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. फिर परफेक्ट स्क्वायरिंग कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x के बाद जो बचता है उसे b, इसका स्क्वायर जोड़ दीजिए, इसका स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दीजिए, खत्म. ये क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ dx अपॉन, सॉरी 1 अपॉन 2a. कहीं ऐसी कोई गलत लिख दूं तो ध्यान रखिएगा, x माइनस 1 बाय 2 का
होल स्क्वायर, राइट। अच्छा x माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर याद ये रखना है कि ये 1 बाय 2 हो गया था, प्लस का था सॉरी, तो आपको ऐसा करना था प्लस 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 2, राइट। तो 1 बाय 4 1 बाय 2 में से सब्ट्रैक्ट करो तो प्लस 1 बाय 4 यानी 1 बाय 2 का स्क्वायर बनता, तो 1 बाय 2 1 अपॉन a टेन इनवर्स 2x माइनस 1। तो करेक्ट आंसर हुआ टेन इन, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा टेन इनवर्स 2x माइनस 1। एक बार फिर समझ लीजिए, थोड़ा स्टेप कम लिख के कराए कि सबसे पहले आपने इसको परफेक्ट स्क्वायरिंग के लिए 2 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बाय 2, 2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बाय 4 जोड़ा, इतना ही सब्ट्रैक्ट किया और ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ, बाहर था एक बाहर 2 था, तो अब ये आ गया x माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय 4। और इसको जब यहां लिखते हैं आप तो 1 बाय 2 के बाद देखिए आपने यही लिखा था x माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर। तो आप जब ऐसा लिखते हैं 1 अपॉन a, तो a क्या है 1 बाय 2, राइट। तो बस यही एक चीज है जो ध्यान रखनी है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। तो इसका आंसर हुआ d, यस। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी इंटीग्रल का है और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म पड़ी हुई है, x इंटू 1 प्लस एल एन एक्स की पावर n। देखिए इसको पूरे को t मान लीजिए, डिफरेंशिएशन है और t पावर माइनस n का एक तरह से इंटीग्रेशन होता है, t पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1, यानी आप लॉजिकली देखें तो आपको ऐसा मिलता है 1 माइनस n इंटू 1 प्लस एल एन एक्स की पावर n माइनस 1। तो अगर आप ये आंसर देखेंगे तो ये आंसर आपको मिलेगा a में। देखिए क्या करा आपने, 1 प्लस एल एन एक्स को पहले आंसर देने की कोशिश करिए, 1 बाय एक्स टी एक्स इक्वल टू डी टी, ये कुछ ऐसा बन गया डी टी अपॉन टी पावर एन यानी टी पावर माइनस एन डी टी, टी पावर माइनस एन प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1 या 1 माइनस एन और टी की वैल्यू डाल दो तो 1 प्लस एल एन एक्स की पावर 1 माइनस एन, सॉरी नीचे गया तो एन माइनस 1। तो ये हो गया ए, ए इज अ राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए टू क्वेश्चंस लिंक हैं इससे, क्या है क्वेश्चन समझिएगा। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कंसीडर द इक्वेशन एक्स पावर वाई इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस वाई, व्हाट इज, पहला क्वेश्चन है इसका, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। तो इसमें क्या होगा, सिंपल सा लॉजिक है, आप चाहे तो लॉग ले लें तो लेना, चाहे तो y log x इक्वल टू x माइनस y, या ऐसा भी लिख सकते हैं y इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस log x, लॉजिकली, राइट। क्योंकि जैसे ही log लिया तो y log x इक्वल टू ऐसा लिखोगे log e पावर x माइनस y और log e 1 होता है। अब जैसे d by by dx पूछा है एक स्टेप में बता सकते हो, और एट 1 पे पूछा है log 1 0 होता है, तो 1 प्लस log x, x का 1 माइनस x इंटू 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब देखिए x की जगह जब आपने 1 रखा तो 1 माइनस 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0। और इसके बाद वाले क्वेश्चन में पूछा है डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 1, मतलब इसका एडवांस हो गया। तो पहले डी वाई बाय डी एक्स को अगर अच्छे से सॉल्व करें तो ये 1 बचा था, तो log x अपॉन 1 प्लस log x का एक तरह से होल स्क्वायर है। अब जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 प्लस, ये लिखना नहीं है आपको, देखो मेंटली करूं 1 प्लस log x का होल स्क्वायर तो एक तरह से 1 log x 1 अपॉन x, तो 1 मिला माइनस log 1 के साथ पूरा 0, तो इसका आंसर आएगा 1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। अब मैं पूरी स्टेप लिख देता हूं, कोशिश यही करनी है जो पढ़ाते समय बताई है टेक्निक उनको याद रखते हुए कि स्टेप कम से कम लिखें। देखिए यही लिखेंगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस लॉग एक्स इनटू डी वाई बाई डी एक्स। अब जब आप एक्स के प्लेस पे वन पुट करने ही वाले हैं तो लॉग वन जीरो होगा, वो जीरो, यहां पर वन बचा तो वन ही बचा ना, वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यानी छोटी छोटी चीजें आपका बहुत टाइम सेव करती है, राइट, नोट कर लीजिए, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए इससे भी टू आइटम जुड़े हुए हैं, टू क्वेश्चन एक करोगे तो दूसरा आ जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू
सारा क्लास वाला पोर्शन है माइनस टू जीरो एक्स क्यूब माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस टू एटी एट एक्स प्लस वन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. सिंपल सा लॉजिक है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो इंक्रीजिंग लेस देन जीरो डिक्रीजिंग. कर दीजिए डिफ्रेंशिएशन सब कुछ बता देगा. ट्वेल्व एक्स क्यूब माइनस सिक्सटी एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर एक्स प्लस टू एट एट. यस और नो? 12x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर माइनस 24x. अब आप चाहो तो 12 बाहर निकाल सकते हो. x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x राइट. ये हो जाएगा 12 टू जा 4 24 4 12 4 जा 24. ये मिल गया आपको. अब आपको केवल इसके फैक्टर बना के देखने हैं कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे, किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है. तो अब आपको ये दिख रहा है कि 24 है तो 24 के फैक्टर बनाने हैं आपको, वो ऐसे जो इसको डिवाइड कर रहे हो. तो जैसे रूट्स अगर आप 1 रखेंगे तो नहीं करेगा सेटिस्फाई. 24 में 2 हो सकता है तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 20 माइनस ऑफ 4 प्लस 24. देखिए ये हुआ 32 ये हुआ 28 नहीं होगा. 3 रख के देख लीजिए तो 3 रखा तो 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 45 माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ 24. अब इसको देखिए ये कितना होता है, ये होता है 51 और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये भी 51 ही है. देखिए 4 प्लस 1 5 51 यानी 3 इसका एक फैक्टर है. तो अगर 3 इसका फैक्टर है तो x माइनस 3 इसका एक रूट हुआ. तीन बार क्विकली लिख लें बताया था तरीका. और 24 के फैक्टर जो होते हैं वही रख के देखने होते हैं. अब देखिए क्यूब के लिए स्क्वायर 24 ये है यहां पर है तो माइनस ऑफ 8 बैलेंस करें माइनस 3x स्क्वायर तो माइनस 2x ये हो गया बैलेंस. यानी 12 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ऑफ 8 राइट. ये देखिए प्लस 6x माइनस 8x. अब दो फैक्टर इसके भी बनेंगे तो क्या क्या हो जाएंगे 12 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 2. तो देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x. यस बिल्कुल ठीक है. अब रियल लाइन पे ले लें तो माइनस 2 3 एंड 4 पॉजिटिव नेगेटिव इंक्रीजिंग है माइनस 2 से 3 यूनियन ऑफ 4 टू इनफाइनाइट दिस इज इंक्रीजिंग. डिक्रीजिंग है माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू यूनियन ऑफ 3 टू 4. अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं दिया पर इंक्रीजिंग में एक सबसेट दिया है माइनस टू टू 3 तो यही करेक्ट हो गया और डिक्रीजिंग में एक सबसेट दिया है 3 से 4 तो एक ये करेक्ट हो गया. यानी इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा माइनस टू टू 3 एक और एक का आंसर हो जाएगा 3 टू 4 राइट. नोट डाउन दिस क्वेश्चन.